दसों में आपका स्वागत है। आप सभी ने अभी तक जितनी मूवीज देखा है उन मूवीज को भूल जाइए, क्योंकि मैं आज आप सभी के लेके आया हूँ ऐसी मूवी का लिस्ट जो आपको दीवाना बना देगा। इन मूवीज में नशा, ड्रग्स, एडल्ट सीन्स, टॉर्चर्स को इतने गंदे तरीके से दिखाया गया कि ये मूवीज बहुत सारे कंट्रीज में बैन है। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मूवीज देखने उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करने में टाइम लगता है और मेहनत भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की बैंड मूवीज का लिस्ट शुरू करते हैं। हमारी मूवी की लिस्ट में नंबर 5 पे है अ सर्बियन फिल्म। यह मूवी 2010 में आई है और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो इस मूवी की ये है कि यह मूवी 46 कंट्रीज में बैन है। इस मूवी में दिखाया जाता है एक ऐसे आदमी की कहानी को जो कि अपने टाइम में पॉर्न इंडस्ट्री का सुपरस्टार रहता है, बट अब वो उस इंडस्ट्री को छोड़ चुका है और एक बहुत ही नॉर्मल सा लाइफ जी रहा होता है। उसकी एक बहुत ही छोटी सी फैमिली रहती है। अब उसका उस पॉर्न इंडस्ट्री से कोई भी रिलेशन नहीं है, बट कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब उसको एक फिल्म ऑफर की जाती है। उसके फैमिली की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, जिस वजह से वो मूवी में काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वही उसके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। और यही इस मूवी की इंटरेस्टिंग कहानी है कि आगे उसके संग क्या होगा। इस मूवी में गंदगी को इतने अलग लेवल से दिखाया गया है कि शायद ही कोई इंसान अपने लाइफ में ऐसी चीज कर सकता है। तो आगे ऐसा क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। हमारी मूवी की लिस्ट में नंबर 4 पर है द पेंटेड हाउस। यह मूवी 2015 में आई है। इस मूवी में दिखाया जाता है एक ओल्ड राइडर की कहानी को जो खुद को बहुत ज्यादा शरीफ समझता है और इसके बाद उसके लाइफ में एंट्री होती है एक खूबसूरत लड़की की। इसके बाद इस मूवी की कहानी 360 डिग्री पर घूम जाती है। जब मूवी में एंट्री होती है एक मिस्टीरियस आदमी की, तब इस मूवी की शैतानी शक्ति जाग जाती है। उसके बाद तो ये मूवी एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। इस मूवी को बैन होने का रीजन ये है कि इस मूवी में बोल्ड सीन्स को बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया गया है। अगर आप ऐसी स्टोरी वाली मूवीज देखने में इंटरेस्टेड है तो ये मूवी डेफिनेटली आपके लिए है। हमारी मूवी की लिस्ट में नंबर 3 पे है आई स्प्लिट ऑन योर ग्रेव। इस मूवी के 5 पार्ट है। पहला पार्ट 1978 में आया था और आखिर का पार्ट 2019 में आया था। ये मूवी बहुत लोगों को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर देने वाली है, बट कुछ लोगों को ये मूवी उतना ज्यादा डिस्टर्बिंग ना लगे, बट ये चीज आपको ये मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। ये मूवी बेसिकली हॉरर थ्रिलर या कह सकते हैं कि रिवेंज लेने के ऊपर है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कुछ लोग मिलकर इस लड़की का रेप कर देते हैं, बट इसके बाद ये लड़की उन लोगों से कैसे बदला लेती है ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मूवी के लिए मैं 3 शब्द कहना चाहूंगा, बस जाओ देखो। हमारे मूवी की लिस्ट में नंबर 2 पर है 5। जी हाँ, मूवी का नाम 5 है। यह मूवी 2003 में आई है। इस मूवी में के मैनन है, तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में एक्टिंग का लेवल किस तरह का होने वाला है। नो डाउट 24 कैरेट सोने की तरह। इस मूवी में 5 लोगों की कहानी को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की भी होती है। लड़की पार्ट टाइम में मर्दों के साथ सोती है, जिससे वो कुछ पैसे कमा सके और अपना गुजारा कर सके। बट जब इस मूवी में लस्ट, किडनैपिंग और ड्रग्स की एंट्री होती है, तब यह मूवी एक अलग ही स्पीड पर दौड़ने लगती है। और इस मूवी के बैन होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। इस मूवी के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस मूवी में नशे के धुएं को इस तरह से दिखाया है कि यह मूवी ही धुएं में गायब हो गई। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो डेफिनेटली यह मूवी आपको देखनी चाहिए। हमारे मूवी की लिस्ट में नंबर 1 पर है एंटी क्राइस्ट। यह मूवी 2009 में आई है। ये एक हॉरर ड्रामा मूवी है। जब दो कपल आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं, तब उनका बच्चा खिड़की से नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद इस मूवी की कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उन कपल्स का लाइफ वैसा नहीं होता है जैसा वो पहले जी रहे होते हैं। तो उनके संग कौन कौन सी गंदी गंदी घटनाएं घटती है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। और ये मूवी बहुत सारे कंट्रीज में बैन है। इस मूवी का रेटिंग 6.6 है, बट इस मूवी की जो स्टोरी है वो 10 out of 10 होने वाली है। तो आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आप मूवीज, वेब सीरीज देखने में इंटरेस्टेड है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।